वेलकम अगेन और गुड मॉर्निंग विद सभी का ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं और यहाँ पर डिफरेंट ऑफ कोर्स सेगमेंट होते हैं और आज भी एक जबरदस्त दबंग पर्सन यहाँ पर मौजूद है और इंटरनेशनल लेवल और पाकिस्तान के लेवल पर डिफरेंट सिटीज uh, में उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन भी दिखाई है और बॉक्सिंग बॉक्सिंग को इतनी वो नहीं मिलती माइलेज नहीं मिलती या इतनी प्रोटोकॉल नहीं मिलती लेकिन आउट ऑफ कंट्री में इसको बहुत अप्रिशिएट किया जाता है लेकिन हमारे मुल्क में जो हीरे नगीने बहुत हैं और स्पोर्ट्स में एक बिग

कि इस इसको कहते क्या हम तो के मेडल कहेंगे हम क्या कहेंगे बैक ब्लैक, ये बैक ये चैंपियन बेल्ट होती है चैंपियन बेल्ट आपने विन किया कौन सी कंट्री में थाईलैंड में फाइट हुई थी एशियन टाइटल था और थाईलैंड के ही फाइटर से फाइट थी और अल्हम्दुलिल्लाह एशियन एशियन टाइटल टाइटल मिला आपको ओहो यू फील वेरी प्राउड क्योंकि मैं इस चैंपियन हूँ मेडल को देखे और काफी हैवी है और माशाल्लाह इसका एक अलग ही एक है खूबसूरती है, है और स्क्रीन पर भी मैं देख रही हूँ आउटस्टैंडिंग कॉन्ग्रेचुलेशन बहुत Thank बहुत, you, बहुत मुबारक आपको अच्छा इस तरह आपको ये जब अफकोर्स एक पाकिस्तान से आप लोग जाते हैं और जब विन किया जाता है तो क्या फील होता है आप लोगों को जी बिल्कुल पाकिस्तान से मैं गया था अकेले गया था खेलने के लिए और कोचेस वगैरह कोई साथ नहीं थे ओ। तो काफी प्रेशर था मुझ पे लेकिन हमारे पुलिस डिपार्टमेंट ने काफी सपोर्ट किया और जीतने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है एयरपोर्ट पे किस तरीके से इस्तकबाल किया गया तो बहुत अच्छी फीलिंग्स थी जिस तरह एक चैंपियंस की फीलिंग होती है और मैं थैंक्स करूंगी एसएसपी रजा साहब का अली रजा साहब वो बहुत अली रजा साहब बहुत कोऑपरेट करते हैं भी और उन्होंने ही कहा कि ही इज इज अ जीनियस पर्सन और ये हमारा प्राइड है और पाकिस्तान का एक नाम है और इन्होंने किया इनको जरूर मैंने कहा जरूर सर क्यों नहीं हम अप्रीशियेट करेंगे हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है कल आना था लेकिन इनकी जरा सी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो आज इनको हमने ज्वाइन किया है अच्छा जी ये बताए शहीद आफरीदी नाम आ गया हमारे मुल्क में आफरीदी जो है वो बड़े दबंग हो गए आपने अपनी बॉक्सिंग में अपने आपको बनवाया आप क्या सोचते हैं आगे क्या प्लानिंग है आपकी जी बिल्कुल सबसे पहले तो मैं इसको डिफेंड करूंगा इसको दूसरा फाइटर मुझे चैलेंज करेगा इस फाइट टाइटल के लिए अच्छा और मैं डिफेंड करूंगा इंशाल्लाह उसको हराऊंगा फिर उसके बाद WBA एक बॉडी है दूसरी वर्ल्ड बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन हाँ। उसका टाइटल खेलूंगा और फिर वर्ल्ड टाइटल के लिए जाऊंगा इंशाल्लाह यानी कि आपकी सोच अभी आगे बहुत सारे अच्छा पाकिस्तान में बॉक्सिंग है क्या पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है पाकिस्तान में बहुत बॉक्सिंग है आ, लेकिन जिस तरीके से आ, क्रिकेट को और दूसरी स्पोर्ट्स को मिलता है लाइक पी जो हो रहा है जिस जी तरीके जी। से स्पॉन्सर्स मिलते हैं मीडिया का रुझान है सब कुछ है वो चीज़ जो है बॉक्सिंग के लिए नहीं है अलमिया है एक हमारे मुल्क का लेकिन आपको ये हैरत होगी कि ओलंपिक्स का वाइड मेडल जो आया है जो कॉम्बैट गेम्स का है वो बॉक्सिंग का ही है तो हुसैन शाह हमारे लेजेंड थे उन्होंने मेडल लिया पाकिस्तान के लिए लेकिन उसके बाद बॉक्सिंग बिल्कुल एक तबाही की तरफ जा रही है अच्छा इसकी ये भी रीजन हो सकती है लाइक के क्योंकि उसके लिए जब बड़े प्लानिंग होती है और उसको पूरे आवाम को उनके लिए ओपन कर लिया जाता है कि है और देखें। अगर आपके साथ आप तो country, जैसे गए हो अगर वो लोग लो यहाँ पर आए और यहाँ पर एक बड़े यूज उसकी प्रमोशन हो तो मैं गारंटी से बोलती <laughs> ही सारी आवाम निकलेगी देखने के लिए नहीं मैम मेरे ख्याल में आप अगर पिछले दो तीन साल देखें तो बहुत मेगा इवेंट्स हुए हैं हमारे बॉक्सिंग के एक स्टार हैं उस्मान वजीर वो एक इवेंट करा रहे हैं 11 जून को गिलगित में जिसमें 10 मुल्क शिरकत कर रहे हैं तो हर साल कोई ना कोई कंट्री आती है पाकिस्तान में बॉक्सिंग के लिए पार्टिसिपेट के लिए लेकिन आ, मैं फिर भी कहूंगा कि प्रमोशन नहीं है ना प्रमोशन है काफी चैनल्स पे आता है सब कुछ होता है प्रमोशन बहुत होती है लेकिन फिर भी है नहीं प्रॉब्लम जिस तरीके से क्रिकेट को पीएसएल को इन सब चीजों को सपोर्ट किया जाता है वो एक हाइप क्रिएट नहीं हो रही है अभी तक बॉक्सिंग एक महंगा स्पोर्ट्स है आपको पता है इसमें स्पॉन्सर्स की जरूरत होती है लेकिन स्पॉन्सर्स नहीं आते इस तरफ क्योंकि हमारी यूथ को एक दूसरे प्लेटफॉर्म दे दिया गया लाइक टिकटॉक और सोशल मीडिया इन चीजों पर डाल दिया गया वो बॉक्सिंग सिर्फ उनको देखना अच्छा लगता है हाँ वही है वो खेलते या कुछ में पार्टिसिपेट नहीं करते तो, तो आगे फ्यूचर में फिर भी आपने इस गेम को चूज किया और नाम भी बना के दिखा दिया कि यू आर कैपेबल यू आर प्राइड बहुत जबरदस्त अच्छा, अच्छा, अच्छा लगा और आगे ज्यादा से ज्यादा जब आप छोटे थे तो जाहिर सी बॉक्सिंग तो हम ये नहीं कहते कि डेली चैनल पे आता है जैसे क्रिकेट का एक एक क्रेज है सबको ना तो आपने चूज किया इस गेम को आ, ये चूज करना मेरी मजबूरी भी थी <laughs> क्योंकि मेरे वाले साहब इंटरनेशनल बॉक्सर थे क्या नाम उनका खावरदीन ना आफरीदी माशाल्लाह जी तो उन्होंने बस मुझे शुरू के चार पांच साल तो जबरदस्ती कराई है कि बेटा बॉक्सिंग में अगर चैंपियन बनो ना बनो कम से कम अपनी फिटनेस तुम्हारी रहेगी और लाइक थोड़ा सा बंदे का अपना सेफ्टी भी रहती है इसमें लेकिन अल्लाह ने आपको आ, से वो भी दे दी साथ में जी बिल्कुल ये तो मैं पुलिस डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करूंगा हाँ। कि उन्होंने मैं मुझे शुरू से ख्वाब था कि मैं यूनिफॉर्म पहनूं तो मैंने पुलिस का यूनिफॉर्म पहना और साथ साथ में एशियन चैंपियन भी बना और आगे इंशाल्लाह वर्ल्ड भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारे सब पूरे पाकिस्तान की दुआएं आपके साथ हैं अल्लाह पाक आपको बहुत कामयाबियां दे ज्यादा आपके फादर सपोर्ट करते हैं मदर क्या कहती हैं बहनें क्या कहती हैं मदर तो जब मेरी फाइट होती है वो मुसल्ले से तो उठती नहीं है <laughs> <laughs> तो सपोर्ट वो भी करती हैं मेरी सिस्टर्स हैं वाइफ हैं सब सपोर्ट करती हैं और जाहिर है इसमें डाइट की भी बड़ी जरूरत होती बिल्कुल, है बिल्कुल। तो डाइट के बगैर तो आपको पता है कि आ, ना आपका वेट लॉस होता है ना ट्रेनिंग होती है इंशोरेंस हर कोई इस गेम को आ, नहीं कर सकते जी बिल्कुल बड़ा मुश्किल गेम है और आ, ये है कि जब तक आपके साथ सपोर्ट सपोर्टिव लोग ना हो तो तब आप तो इसमें नहीं अकेले नहीं चल सकते इसमें। अब मेरी वाइफ है वो सुबह भी अलग से पूरे घर का एक अलग नाश्ता होता है मेरा एक अलग नाश्ता होता है फिर उसके बाद दोपहर का अलग होता है तो ये डाइट का बहुत ज्यादा तो बड़ा एक इश्यू होता है तो मैं सबको थैंक यू कहूंगा जो भी मेरे साथ जुड़े हैं सब मुझे बहुत कभी माइंड किया कि कराची में एक एक मतलब सिंध लेवल पे एक बड़ा आप प्रेजेंट करें पर आपके साथ कोई खेले ऐसा कभी हुआ है आ, मैं ये अपनी एक ख्वाहिश है था लैंड या किसी भी मुल्क से किसी भी मुल्क से कोई फाइटर आए कराची आए यहाँ पे एक बड़ा मेगा इवेंट हो और उसको स्पॉन्सर करे आई जी साहब और मैं उसे कराची में आप सब के सामने यहाँ पर फाइट खेलू एक और जुनून और एक और मजा यहाँ पे लोगों को देखने को भी मिले सब कुछ जबरदस्त ये तो अच्छी बात है कि आप इस तरह सोचते हैं आने वाले बच्चों को जब इस तरह की बातें सुनते हैं कुछ लोग इंस्पायर होते हैं कुछ लोग कहते हैं यार जाहिर पता है कुछ टैलेंट होगा भी वो आगे नहीं आ पाएगा सपोर्ट नहीं है उन लोगों के लिए आप क्या सोचते हैं जी बिल्कुल उनके लिए तो यही है काफ़ी मेरे ऐसे दोस्त हैं जो अच्छे टैलेंटेड बॉक्सर्स थे लेकिन सरकारी जॉब्स ना होने की वजह से या कोई और उनकी सपोर्ट फैमिली सपोर्ट ना होने की वजह से छोड़ दी उन्होंने बॉक्सिंग अब वो यही कहते थे यार हम मेडल्स थोड़ी खाएंगे पैसे होंगे तो हमारे पास कुछ खाएंगे पियेंगे काफ़ी बॉक्सर जो दिल बर्दाश्त हुए छोड़ दी उन्होंने बॉक्सिंग लेकिन मेरा एक ही पैगाम है कि दिल छोटा ना करें बॉक्सिंग करते रहें मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेरे पास सॉक्स खरीदने के पैसे नहीं हुआ करते थे

जब आप क्यों सोचते हैं कि प्रॉब्लम ही ना हो ऐसे तो नहीं है अब प्रॉब्लम की एक अलग अलग, अलग शक्ल होती है कुछ लोग जो हैं अब जैसे अभी कितने लोग जंग पे जा रहे होते हैं अब यही सोच के बैठे कि अलग मैं मतलब मेरे सामने कोई ऐसा पर्सन ना आए तो पॉसिबल ही नहीं है तो कोई भी हम लोग किसी भी फील्ड में रेलिवेंट हो तकलीफ और परेशानी का हमेशा माइंड रखा करें कि तकलीफ आएगी और उसकी शक्ल जरा सी डिफरेंट होगी और डिसाइड नहीं होना चाहिए जैसे आपने अगर ये सोच के आप बैक हो जाते तो आज आप गुड मॉर्निंग विद सभी में ना होते बिल्कुल ऐसे ही है <laughs> मैंने आज किसी का जुमला यूज कर लिया कि ये ये मैं, मुझे बड़ा मेरे लिए बड़ा ऑनर की बात है आप मेरे प्रोग्राम में मौजूद हैं और मैं इस मेडल को देख रही हूँ बड़ा खूबसूरत और यकीन करें मैं मुझे इतना फील हो रहा है एज अ बींग ऑफ पाकिस्तानी तो मैं सोच रही हूँ जब इन्होंने ये रिसीव किया लिया फिर इन्होंने अपने कंधे पे लगा के दिखाया और फ्लैग पाकिस्तान का वो एक एक चाम होता है सर बहुत खूबसूरत

फाइट से पहले रिंग में पाकिस्तानी तराना बजा, आए, 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 एक अलग ही वो था, जी बिल्कुल सात बजे और पूरे बैंकॉक में घुमाते और उन्होंने काफी सपोर्ट किया मुझे और उन्होंने इवन ये तक कहा कि यार नेक्स्ट आपकी कहीं भी फाइट और टिकट मेरी तरफ से इंसान सिर्फ एक अच्छे बोल का जो है भूखा होता है कि यार लोग उसको सिर्फ सपोर्ट करें सिर्फ कह दें कि यार काफी है नहीं आप कभी तो... कराची में कमिश्नर कराची या इनसे जैसे आपने आईजी सब इनसे कुछ प्लानिंग करें कि कराची में एक इंटरनेशनल लेवल की जो है चाहे इधर ही अपने जैसे होते हैं ना प्रोविंस के भी आपस में होते हैं जी बिल्कुल होते हैं होना भी चाहिए लेकिन इन सब के लिए मीटिंग्स होती हैं इन पे प्लान करना पड़ता है

थर्ड दर दर्ड शुरू वो आज कहता देखिए देखे आंटी मैं आज वो सब मैंने कहा हाँ, तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई कि वो एक शौकीन एक क्रेज था उसे और वो अपने आप को उसने फिट भी बहुत अच्छा रखा है वो ऐसा नहीं तो वो अंडरटेकर और और, और तो वो, वो कार्टून उन्होंने परचेज किए थे वो गेम्स उनके साथ खेलते थे तो ये होता है बच्चों को शौक हमारे मुल्क में अगर इस गेम को बड़े मिलेगा इसको लाइक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा फायदा होगा इसमें काफी प्रोमोटर्स बिल्कुल ये एक प्रॉपर तरीका है इसको पहले स्टडी करना पड़ता है किस तरीके से आपने इसको अंदर इन्वेस्ट आपने, आपने, आपने कोई भी हुआ? आपने अभी खुद ही तो कहा कि जंग में जाएंगे है वहां मरना भी है मारना भी है तो फाइट में पंच लगते भी है और मारते भी है और मेरे वाले साहब एक ही बात कहते हैं कि जो जितनी भी चोटें आती हैं ये औरत का जेवर उसकी जो है, वो सोना वगैरह आप लोग का ये निशान है अच्छा तो, तो जबरदस्त जब लगता है तो कभी, कभी तो बंदे का दिमाग बिल्कुल भी वही, दिन भी भी वही करते है जहाँ पे उसको पता है की यार ये आ, जी बिल्कुल फेस में सबसे कमजोर जो ये चिन्ह है तो यहाँ पे पंच लगता है ये जगह करती है तो

तो वो दिमाग खुल गया था दिन में दिन नजर लोगों को ये लगता है कि ग्लव्स जो है वो बहुत फॉर्म होता है, होता है, उससे कुछ नहीं होता है हो, तो तो हो तो जी, जी बिल्कुल जिस तरीके से हमारी यूथ को प्लेटफॉर्म दिया गया सोशल मीडिया का और आप देखेंगे जिसको आज टिकटॉक लैंड के नाम से भी मशहूर कर दिया गया तो इस तरह से अगर हमारी यूथ को स्पोर्ट्स का एक प्लेटफॉर्म दिया जाए और उनको बॉक्सिंग फुटबॉल दूसरे प्लेटफॉर्म तो मेरे ख्याल में और भी हीरोज पैदा होंगे पाकिस्तान के लिए थैंक यू सो मच मैं आपके साथ एक बार फिर एक बड़ा सेशन करूंगी ठीक है और आपके सारे मेडल्स भी और आपकी फैमिली को भी बुलवाऊंगी अच्छा yes. लगेगा आपके फादर का नाम लिए ना मैं उनको yes. जरूर बुलवाऊंगी आपका बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच हमारे साथ शहीद आफरीद मौजूद थे और उन्होंने जबरदस्त अपनी बॉक्सिंग को पाकिस्तान से बाहर जाके प्रेजेंट किया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया ये है हमारा प्राइड ऑफ पाकिस्तान और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग विद सभी जी नाजीन हमारे साथ होते हैं एवरी वेनिस्डे डॉक्टर साजिद इस्लाम साहब हकीम साजिद इस्लाम साहब आज वो किसी वजह से नहीं आ सके तो उनका स्पेशल पिछला जो एक पैकेज है हम उसको प्ले करें वो देखें, और लेट्स यहाँ पर लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग सभी के साथ।